नगर निगम जलंधर च पिछले साल दौरान यह नियम हुंदा सी कि नगर निगम का हर ठेकेदार विकास कार्य संबंधी साइट पर एक बोर्ड लवेगा। इस तो बाद विकास कार्य की शुरुआत होगी। उस बोर्ड पर लिखा हुंदा सी कि काम करने वाले एजेंसी या ठेकेदार का नाम की है, काम किन्नी राशि का है, काम कितों तक होगा, काम के अधीन की किया जाएगा, किस अधिकारी के काम की देखरेख करनी है, उसका टैलीफोन नंबर आदि सब कुछ बोर्ड पर लिखा हुंदा सी। पिछली कांग्रेस सरकार दौरान निगम के अधिकारियों और ठेकेदारों ने इस नियम का पालन करना बंद कर दिया। उदों विकास कार्यों में जरा जिनी भी पारदर्शिता नहीं बची सी। कांग्रेस के राज दौरान किसी ठेकेदार के किसी काम की जांच तक नहीं की गई, तो ना ही कोई सैंपल भरया गया। किसी ठेकेदार को ब्लैकलिस्ट करना तो बहुत ज़्यादा दूर की गल है। सो दस दिए कि इस तो इलावा जलंधर नगर निगम के भी पिछले साल दौरान बहुत घटिया पद्धर से विकास कार्य हुए। आम आदमी पार्टी सरकार आने के बाद ये सिलसिला जारी से, जिस कारण यह मुहिम छेड़ी हुई सी कि मुख्यमंत्री भगवंत मान वालों दी गई 50 करोड़ रुपए की ग्रांट की जम के दुरवरतों की जा रही है। ना कि किसी साइट पर कोई अफसर जाता है, तो ना ही किसी साइट पर ठेकेदार वालों बोर्ड लाया गया। इस मुहिम तहत नगर निगम कमिश्नर ने अज हुक्म जारी किए हैं कि हर विकास कार्य की साइट पर हर ठेकेदार वालों बोर्ड लाना लाजमी होगा, जिस के उपर विकास कार्य संबंधित हर सूचना लिखी होगी। इस बोर्ड तो हुण आम पब्लिक भी संबंधित विकास कार्य की क्वालिटी संबंधी पैरामीटर जान सकेगी।